वहीं इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और अशोक अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी सरकार आज हर मोर्चे पर फेल है। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, भाजपा ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जरूरत है सरकार राहगिरी में डीजे पर डांस करना और गिल्ली डंडा खेलना छोड़कर जनता के बारे में सोचना शुरू करे। साथ ही अशोक अरोड़ा ने बिजली के दामों में कटौती पर भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। सरकार को चाहिए कि सरकार राहगिरी छोड़ के, सरकार डांस करना डीजे पे छोड़ के, गुल्ली डंडा खेलना छोड़ के लोगों की जान माल की रक्षा करे। 3 साल पहले लगा जब इस सरकार ने बिजली के रेटों में 35% से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी, हम अभय सिंह और सभी एमएलए एक्स एमएलए प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री का एक ही जवाब था कि बिजली के रेट बढ़ाना या घटाना ये रेगुलेटरी कमीशन का काम है, मेरा काम नहीं, ये सरकार का काम नहीं है। तो 3 साल तक मुख्यमंत्री लूटते रहे अगर उनके अधिकार में थी।